सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने किन 10 नए प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल किया है, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है निकोलस पूरन को। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं और इन्हें पूरे 16 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद हम दूसरे प्लेयर की बात करते हैं तो डैनियल सेम्स हैं। ये ऑलराउंडर हैं और इन्हें 75 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। इसके बाद तीसरे इंडियन गेंदबाज आते हैं अमित मिश्रा, इन्हें 50 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया गया। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के एक और प्लेयर आते हैं रोमारियो सेफर्ड, इन्हें भी 50 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया गया है और ये ऑलराउंडर हैं। इसके बाद आते हैं अफगानिस्तान के नावेल उल हक, ये हैं बॉलर हैं और इन्हें भी 50 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया गया। इसके बाद जयदेव उनादकट आते हैं, इन्हें टीम ने 50 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया है। इसके बाद यश ठाकुर हैं, ये भी बॉलर हैं और इन्हें 45 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया गया। इसके बाद 20-20 लाख देकर तीन प्लेयरों को खरीदा गया है, जवीर चरक और प्रेरक मानकंड, ये तीनों ही इंडियन ऑलराउंडर हैं और इन्हें तीनों को 20-20 लाख देकर अपनी टीम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शामिल किया है।